भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो वास्तुतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान ना तो कभी दिखते हैं और ना ही कभी मरते हैं। जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने धरती पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ, उनका कौन सा अंग नहीं जला और क्यों? भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उसकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा लीक की गई लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं, वे ही परम पिता परमात्मा हैं। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया। चूँकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हट पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत युद्ध के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उसकी माँ शोकाकुल हो गई। महाभारत के पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलत फहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान कृष्ण के कारण ही हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं अपितु अपनी इच्छा से ही संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्युलोक को छोड़ कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भगवत पुराण के 11वें स्कंध में मिलता है। मित्रों, यह तो आप जानते ही हैं कि भगवत पुराण सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंध में सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर हैं, पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं। यदुवंश के लोग धन, जनबल, घोड़े आदि के माध्यम से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवता आदमी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करनी होगी, उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊँगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई, आइए इसे विस्तार में जानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उदंड था। एक बार कृष्णपुत्र सांब समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारती सूझी। सांबा ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी कुछ ऋषियों के पास पहुंची। सांबा को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भाप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि वो एक ऐसे मूशल को जन्म देगा जिसमें उसके कुल का नाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवत प्रेरणा के कारण क्रोध आया, अतः यह भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसीलिए मृत्युलोक में निवास करके यहाँ के लोगों के समान ही व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता, वे सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों द्वारा श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन सब ने सांबा को स्त्री का रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था उसे फाड़ कर देखा तो उसमें वास्तव में मूशल था, यह देख वे सभी पछताने लगे। उन्होंने इस पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उग्रसेन ने उस मूशल का चूड़ बनाकर उस चूड़ और बचे हुए लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। उन्होंने ऐसा ही किया। वो चूड़ पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया और जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन पश्चात यह चूड़ एरक के रूप में उगा जो बिना गांठ की घास होती है। एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुंचे और उस मछली को भी पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े निकले थे। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक बहेली ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया।
एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की, यदि वे चाहें तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चित कर चुका हूँ कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूँगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चले गए। उन सबने जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उत्पन्न और अपशगुन होने लगे। यह देख भगवान ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहां से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर सभी ने भगवान की आदेशानुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा से की, परंतु वे मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे। इस मद का स्वाद तो मीठा होता है, परंतु यह बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत ही भगवान धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण के 36 वर्ष इसी धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंचतत्वों से निर्मित। अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब उनकी पूरी देह जल गई, परंतु दिल जलकर नष्ट नहीं हुआ, अंत तक जलता रहा, तब उनके दिल को जल में प्रवाहित किया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने यह हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा